لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الحج:

रब من सदरी व قولي अमरी لا علم कौली सुबह ما कला وعليك तना वलै का رب आमीन या रबालमीन मोहतरम नाजरीन असलकम الله وبركاته आज इन हमारी गुफ्तगु का मौजू है क़ुरबानी का हुक्म आप सब जानते हैं किलमदुल्लह ल्हज्जा की दस तारीख को पूरे आलम इस्लाम में कुर्बानी की इबादत अदा की जाती है इस इबादत के हवाले से अल्लाह तबारक वाल ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से हुक्म दिया इनशल आज इसी को हमने समझना है जहाँ तक कुर्बानी की इबादत का हुक्म कुरान मजीद में है उसके लिए सूरत हज की आयत नंबर चौंतीस में इर बारी ताला है वाले क्ल उम्मत जालना मनसकन हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत को मुकर किया ग ये कदीम इबादत है जो कि हर उम्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व ताल फ़र्ज की और इस कदर कदीम इबादत इबादत है कि आप सब जानते हैं कि नौ इंसानी का आगाज़ हज़रत आदम असलाम से हुआ और हज़रत आदम आम के दौर में भी इस कुर्बानी की इबादत का जिक्र हमें कुरान मजीद में, में मिलता है सूरह मायदा आयत नंबर सत्ताईस में इरशाद बारी ताला है वतलु अलैहिम नबा अबनई आदम बिलहक या नी इनके सामने तिलावत के लिए वाक़ किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का हक के साथ यानी एक मकसद के तहत इस कर्रबा कुर्बानन जबकि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की फतबल मिन आहद हिमा वम तकबल मिनल आखर तो उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल कर ली गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई कुर्बानी जिसकी कबूल हुई उसकी अलामत क्या थी उस ज़माने में अल्लाह तबारक व ताली की कुर्बानी को कबूल करने की सुन्नत ये थी कि जो शख्स भी कोर्बानी पेश करता था वो उसे एक खुले आसमान तले किसी मैदान में ला कर डाल देता था और आसमान से एक आग आकर उसकी कुर्बानी को जला देती थी यह आसमानी आग का जला देना इस बात की अलामत थी कि गोया उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो हजरत आदम के दो बेटों हजरत हबील और काबिल ने कुर्बानी पेश की और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई उसको आसमानी आग ने आकर जला दिया और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई लिहाजा मालूम सिर्फ ये हुआ कि यह कुर्बानी की इबादत ये बड़ी पुरानी इबादत है बड़ी कदीम इबादत है अल्लाह फरमा रहे हैं कि वाले उम्मत मनसकन हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत मुकर की इस इबादत के लिए तीन असलाह कुरान मजीद में, में आई हैं। एक तो यही कुर्बानी की असतलाई है इज कर्रबा कुर्बानन अभी हमने पढ़ी सूरह मैदा की आयत नंबर सत्ताईस कि जब आदम आदम्सम के दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की कुर्बानी असल में ये लफ्ज़ बना है काफ़ रा और इसी से लफ्ज़र्बत भी बनता है वो इबादत के जिससे अल्लाह की कीबत हासिल की जाए वो है इबादत कुर्बानी की यानी इंसान अल्लाह की बारगाह में जो कुछ पेश करता है इशार करता है और अपनी कोई खूबसूरत शय अपना माल अल्लाह की राह में देता है तो इससे उसको अल्लाह ताली की कुरबत नसीब होती है फिर एक किस तरह कुर्बानी के लिए कुरान मजीद में आई हदी की लेकिन ये हदी की अतलाह उस कुर्बानी के लिए है जो कि पेश की जाती है मस्जिद हराम के करीब हदूद हरम में और फिर एक किलाह आई है नोसुकुन या मनसकन ये जो अतलाह है ये असल में आम कुर्बानी के लिए है कि जो कहीं पर भी पेश की जाए इसका तल्लु सिर्फ़ हदूद हरम के अंदर क़ुरबानी से नहीं है बल्कि इसका तल्लुक जो है वो कोई भी कुरबानी इंसान दुनिया के किसी मुकाम पर पेश करे तो उसके लिए नोसुकुन या मनसकुन की अतला आई है इरशाद बारी ताला है इस आयत में यानी सूरह हज की आयत चौंतीस में कि वाले कुल्ले उम्मतन जालना मनसकन हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की बादत मुकर की अभी कुर्बानी कैसे देनी है इसकी सूरत क्या होगी उसकी भी वजाहत अल्लाह ने फरमाई यहाँ पर फरमाया ले यसकुरआम ताकि वो अल्लाह तबारक व के नाम का जिक्र करें मवेशी चौपायों में से मवेशियों पर यानी ये कुर्बानी ऐसे नहीं हो सकती कि मैं कोई पैसा अल्लाह की राम में किसी कार्य खैर में लगा दूं बल्कि इसकी सूरत ये है कि मुझे अल्लाह की राम चौपायों में से को मवेशी ब करना पड़ेगा और उस मवेशी के ऊपर मुझे बाह करते हुए अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा तो ला रजम बब वो जो मवेशी है उसकी क्या उम्र हो और वो किन अयूब से पाक हो ये बातें फिर हमें मिलती हैं किससे हदीस से, से. इसलिए के दीन कुरान और हदीस दोनों के मजमू का नाम है कुरान मजीद के हर हु को हम नहीं समझ सकते जब तक कि उसकी वो वजाहत हमारे सामने ना हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदी मुबारक में है आपने फरमाया कि अगर बकरा है तो उसकी उम्र एक साल होनी चाहिए यानी उसके दो दांत जो है वो निकल चुके हों इसी तरीके पर उसका जिसम फरबा हो और उसमें कोई कमज़ोरी और लागरी ना हो उसकी आँखें ठीक हो उसके सींग ठीक हों उसके पाँव में कोई लंगड़ा पन ना हो ये तफासिल हदीस से मिलेंगी लेकिन क़ुरान पाक से वाज हो गया कि कुर्बानी की इबादत की सूरत क्या है उसकी सूरत ये नहीं है कि हम कोई पैसा किसी भी कार्य खैर में लगा दें बल्कि इसकी सूरत मीन तौर पर अल्लाह ने तय कर दी उसकी सूरत यह है कि जो भी चौपायों में से मवेशी हैं उनमें से किसी को अल्लाह की राह में वबा करना होगा और उस पर बाह करते हुए अल्लाह तबारक व नाम लेना होगा आगे फरमाए फलाकुम अला वाहिद तो तुम्हारा मबूद है एक ही महबूद अल्लाह फलाह असलमू बस उसकी फर्माबर्दारी इख्तियार करो उसने जो भी हुक्म दिया है उस हुकुम की हिकमत तुम्हें समझ में आए या ना आए लेकिन तुमने उस के हुक्म अमल करना है हमें हिकमत समझ में आती है अपनी अक़ल के ज़रिए से और हमारी अकल नाकिस है और मुमकिन है कि हर बात की हिकमत को ना समझ सके जबकि हमारा ईमान है कि अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत है चाहे वो हमें समझ में आए या ना आए तो फरमाया कि फ़िल हुकुम वाहिद तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है फलाहु असलमू बस तुम उसका कहना मानो व बशरमुफ़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशारत दे दीजिए आर्जी इख्तियार करने वालों को यानी जो अल्लाह के अहकाम के सामने आर्जी इख्तियार करें और पूरे ज़ौक़ व शौक़ और पूरे जज्बे के साथ अल्लाह के अहकाम पर अमल की अपनी सी पूरी कोशिश करें अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं में शामिल फ़रमाए ताकि हमारे लिए भी ये बशारत हो जो हुक्म दिया गया व बशरमुफ़ी चाहे नबी खुशखबरी सुनाइए अच्छी और शानदार कामयाबी की उसको जो कि आज़ी इख्तियार करने वाला है इसी तरीके पर अल्लाह ने फरमाया सूरत कौसर में भी इन्ना आतोना कल कौसर ए नबी पाक वसल्लम हमने आपको को खैर कसीर अता की है लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कैसे अदा कीजिए फसल रबी कबन हर शुक्र अदा करने के लिए अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी पेश कीजिए इन्ना शान अक्का अफ्तर बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम निशान होगा आपका दुश्मन समझता है कि कोई आपकी औलाद नरीना नहीं है लिहाजा आपकी नस्ल आगे नहीं चलेगी और लोग रफ्ता रफ्ता आपको भूल जाएंगे उनकी ख़्याम ख्याली है वरना आपका दुश्मन रहती क्या दुनिया तक क्या तक आपके दुश्मनों का को नाम कोई भी इज्जत से नहीं लेगा हर जगह हमेशा हर दौर में उनके लिए ज़िल्ल ही होगी और आपका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता रहेगा आपके ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है लिहाजा आपका नाम ये रजी दुनिया तक बड़ी इज्जत के साथ बुलंद से बुलंद होता रहेगा और आपके दुश्मन वही बेनों निशान रहेंगे तो यहाँ पर भी सूर्य कौसर में भी अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया इन अल्फाज में कि फसल रब्बी का बनहर एनबी सल्ला वम अपने रब के लिए नमाज़ भी पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी भी पेश कीजिए मोहतरम नाजरीन ये जो हुक्म अभी हमने पढ़ा ये तो कुरान मजीद की रोशनी में था लेकिन जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि हमारे लिए कुरान मजीद के साथ साथ नबी अक्रम सरअलम की अहदीस मुबारक वो भी बुनियादी अहमियत रखती हैं उनके बग़ैर ना हम कुरान को समझ सकते हैं और ना दीन का पूरा फहम हासिल कर सकते हैं अल्लाह के रसूल ने अपने इर्शादात में कुर्बानी के हवाले से तरगीब भी दी है और कुर्बानी ना करने वालों के लिए वईद भी सुनाई है जहाँ तक तरगीब का ताल्लुक है अल्लाह के रसूल के कर्शात से मात फरमाई है आपने फरमाया मा अमल आदमी मिन अमल योमिन नहर कि किसी भी इंसान का किसी भी शख्स का अमल जो कुर्बानी के दिन होता है अहब्बल्ला से ज़्यादा महबूब नहीं होता यानी यौम नहर दस ला को एक इंसान का सबसे ज्यादा महबूब अमल जो अल्लाह के नजदीक है वो क्या है वो है मिन मिनराक दम वो है अल्लाह की राह में खून बहाना यानी अल्लाह की राह में किसी जानवर को कुर्बान करना उससे जिबाह करना उसका खून बहाना मजीद आपने फरमाया इन नहाती योमल क्याम और बेशक जो भी जानवर इंसान अल्लाह की राह में कर्बान करेगा वो क्यामत के दिन आएगा और कैसे आएगा बेकरूनहा वो आएगा अपने सिंगों के साथ व अजलाफ और अपने पूरे के पूरे बालों के साथ व इन व अशार व अजलाफ अपने बालों के साथ और अपनी ऊन के साथ व इन न दमा लक मैनल बकान कबला मैन अर्ज और जो कुर्बानी का के जानवर का खून बहता है वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही अल्लाह तला के यहाँ एक कबूलियत हासिल कर लेता है अल्लाह तबारक व ताल उसकी वजह से इंसान को एक आला मुकाम और एक गुरबत मिल जाती है फतीबो बेह नफसा बस तुम इन क़ुरबानियों को पेश करके अपने आप को खुश करो यानी अल्लाह ताला की खुशकन बशारतें वसूल करो तो दस अलहजा को महबूब तरीन अमल जो अल्लाह तबारक व ताल की में है वो क्या है अल्लाह के राह में किसी जानवर को सुबह करना और उसका खून बहाना ये हदीस त्रिमिदी शरीफ में भी है और ये हदीस इबन माजा में भी है तो ये तो है तरगीब का अंदाज इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम जरा सख्ती का अंदाज़ इख्तियार फरमाया उन बदनसीबों के लिए कि जो बावजूद हैसियत के इस रोज कुर्बानी पेश नहीं करते इस इबादत से सादत से महरूम होते हैं आपका इर्शाद है मनकान अल्ह सातन जिस शख्स के पास वस्तुत होसियत हो कि वो कुर्बानी पेश कर सकता हो वलम युज़ा है लेकिन वो कुर्बानी पेश ना करे फला उसे चाहिए कि फिर वो हमारी नमाज पढ़ने की जगह हमारी ईदगाह में भी ना आए नमाज पढ़ने तो इसलिए आ गया कि वहाँ पर कुछ खर्च नहीं होता लेकिन जो कुर्बानी है उसमें कुछ माल खर्च हो रहा था वहाँ पर तुम पीछे हट गए तुमने माल की मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म के ऊपर तरजीह दे दी लिहाजा अगर तुम कुर्बानी पेश नहीं कर रहे तो फिर तुम नमाज़ पढ़ने क्यों आते हो मुराद यह है कि फिर अल्लाह को तुम्हारी नमाज की जरूरत भी नहीं अल्लाह ताला तो चाहता है कि उसके हर हुक्म पर अमल किया जाए अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो अल्लाह ही का हुक्म है अल्लाह की बहरगाह में कुर्बानी पेश करो तुमने एक हुक्म वो तो ले लिया कि जिसमें कुछ खर्च नहीं था और जहाँ तुम्हें कुछ कुर्बानी देनी पड़ रही थी कुछ माल खर्च करना पड़ रहा था तुमने उस हुक्म के हवाले से तुमने पसपाई अख्तियार कर ली तुमने उससे गुरेज किया तो बड़ा सख्त अंदाज है कि जो शख्स बावजूद हैसियत की कुर्बानी पेश नहीं करता उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह में ना आए नाजरीन ये हदीस इबन माजब में भी आई है और इमाम अहमद इबन हमलर रहमत भी इसको अपनी मसंद में नकल किया है तो ये मैंने आपके सामने कुर्बानी का हुक्म कुरान मजीद की रोशनी में भी रखा और फिर अल्लाह के रसूल के इर्शादात की रोशनी में भी रखा अब इंसान बहरहाल एक सोचने वाले ही मखलूक है सोचता है गौर फिक्र करता है और बात अकली एतबार से उसके जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं तो अगर तो एक सवाल पैदा हो कि आखिर कुर्बानी की हमत क्या है तो ये सवाल का जहन में पैदा होना कोई मायूब शय नहीं है लेकिन इसके लिए ये बात पहले से तय हो कि हुक पर तो हमने अमल करना है हाँ इसके साथ मज़ीद इन के लिए इतमान कल्ब के लिए अगर हमें इसकी हिकमत मालूम हो जाए तो ये अच्छी बात है लेकिन अगर ख़ुदा न खासा कैफियत मुख्तलिफ हो और इंसान का जहन यो हो कि पहले इसकी हिकमत बताई जाए तो उसके बाद हम ये इस इसको पर अमल करेंगे तो ये वो चीज़ है जो कि इंतहा गुमराह शाय है। अल्लाह ताला में इससे महफूज रखे तो बाजा अवतुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अकली एतबार से एतराज़ करते हैं क़ुरबानी की इबादत के हवाले से बाज लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी की इबादत ये वसायल का जिया है ये पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं अपने खाने पीने में बस इतना पैसा इतना बड़ा सरमाया और अगर पूरे आलम इस्लाम में जो कुर्बानी पेश की जाती है उनकी मादत का अंदाज़ा लगाया जाए तो बिला शुभ ये पहुँचता है अरबों रुपये तक तो ये अरबों रुपये हम जो है वो बस सिर्फ का पी देते हैं ये तो मुनासिब नहीं है तो नोट कीजिए नाजरन के असल अहमियत शरीय में अपनी अकल अपनी सोच अपनी फहम की नहीं बल्कि असल अहमियत शरीयत में किसकी है अल्लाह तबारक व ताल के हुम की है लिहाजा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर हम अपनी अकल से कोई भी फैसला नहीं करेंगे खुद सोचिए कुर्बानी की इबादत असल में तो सैदना इब्राहीम की एक बड़ी अजीम कुर्बानी की यादगार है अल्लाह ने बड़ी दुआओं के बाद अपने उस बंदे को सतासी बरस की उम्र में एक बेटा दिया था और अभी एक ही बेटा था हज़रत साख बाद में पैदा हुए हैं और उस वक्त अल्लाह ने सतासी बरस की उम्र में बूढ़े बाप को हुक्म दिया कि अपने इस बच्चे को बाह कर दो बच्चा पैदा हुआ सतासी बरस की उम्र में और जब वालिद की उम्र सौ साल हुई बच्चे की उम्र तेरह साल हुई अब एक लोता बेटा है सौ साल के बूढ़े बाप को हुक्म दिया जा रहा है कि बच्चे को बाह कर दो और इब्राहिम इब्राहीम ने अपने तौर पर तो बच्चे को लुटा कर छुरी फेर दी थी ये तो सिर्फ अल्लाह ने इम्तिहान लेना था अल्लाह ने बच्चे को हटाया उसकी जगह वहाँ पर मेंढा रख दिया अब मेरा सवाल यह है अकल परस्तों से कि क्या ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया था क्या इब्राहिम अपने बेटे को बा कर दो क्या अकली एतबार से इसकी कोई तोजह हो सकती है क्यों बेटे को बा किया जाए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद हमें शरीयत में मना किया है कि किसी भी इंसान को ना कत्ल मत करो मजीद हु दिया है कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो और फिर ख़ास तौर पर शरीयत में हुक्म है कि अगर दुश्मन से जंग भी हो जाए उस वक्त भी बच्चों को ना मारा जाए बूढ़ों को ना मारा जाए तो लिहाजा कोई जस्टिफिकेशन है इसकी अकली एतबार से कि अपने बच्चों को ज़िबा कर दो लेकिन नहीं इब्राहिम आलाम ने अपनी अकल को मुकदम नहीं किया अल्लाह का हुक्म है लिहाजा उन्होंने फौरन केक्म के सामने सर तस्लिम खम कर दिया इसी तरह से उनके बेटे सयदना इस्माइल ने भी उनसे भी जब पूछा उनके वालिद ने या बुनैया मेरे बच्चे मैं में ख्वाब देखता हूँ तुझे जिबा कर रहा हूँ बताओ तुम्हारी क्या राय है तो बेटे ने यह नहीं कहा कि अब मेरा कसूर क्या मुझे क्यों मारा जा रहा है बेटे ने जवाब दिया या अब तिफ तोमर सतरे इन शाह कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में से तो नोट कीजिए कि असल अहमियत अक़ल की नहीं है असल अहमियत किसकी है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की है नोट कीजिए कि बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं हज के मौके पर ख़ास तौर पर कि जो हमारे आम रूटीन से बदल जाते हैं हम सब जानते हैं कि मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का अजर आम मसाजिद के मुकाबले में एक लाख गुना ज्यादा है लेकिन अगर आठ हज़ा को हाजी मिना ना जाए कि जी आज तो मिना में कुछ काम है ही नहीं वहाँ सिर्फ नमाजें पढ़नी हैं और मैं नमाजें मस्जिद हराम में पढ़ूँगा क्या उसे मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए कि आज अल्लाह का हुक्म है कि तुमने मस्जिद हराम नमाजें नहीं पढ़नी आज तुमने नमाज़ें कहाँ पढ़नी है मिना में जाकर पढ़नी है अहमियत जगह की नहीं है अहमियत अल्लाह के हुक्म की है इसी तरीके पर अगर आप आज जाकर अरफात में खूब जिक्र करें खूब इबादत करें आपको कतन कोई सवाब नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप नौजिल हज़ा को जोहर के बाद जवाल के बाद आप अगर अरफात में जाते हैं और वक़ूफ़ अरफा करते हैं तो उस रोज़ आपको बहुत अजर सवाब मिलेगा क्यों अहमियत ना वक्त की है ना जगह की है अहमियत अल्लाह ताली के हुम की है अल्लाह ने उस रोज़ हुकुम दिया है कि आज जो शख्स भी हज करने के लिए आएगा और वकूफ़ अरफा करेगा अल्लाह तबारक व तौर उसकी बख्शिश फरमा देगा लिहाजा अहमियत किस चीज़ की है अहमियत असल में अल्लाह व तौ के हुक्म की है बहुत से लोग कहते हैं और बाद अकात हलूस के साथ कहते हैं कि अगर जो पैसा कुर्बानियों पर लगता है इसी से अगर हम कोई ख़दमत खल के काम कर लें वेलफेयर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते हैं इसी तरीके पर तालीम के हवाले से बहुत सारे मनसूबों की तकमील कर सकते हैं तो कितना फ़ायदा होगा देरपा फ़ायदा होगा ये सब भी क्या है असल में हम अपनी अक़ल को तरजीह दे रहे हैं किस पर अल्लाह तबारक व तकम पर नाजरीन हुक्म ये हकूक लिबाद के हवाले से भी अल्लाह के हैं और अल्लाह के अहकाम हकूक़ल्ला के हवाले से भी हैं हम हरगज़ ये नहीं कर सकते कि हम हकूक को को कोर्बान करके हकूक लबाद अदा करना शुरू कर दें हकूक़ लिबात हकूक की कोस पे अदा नहीं होंगे हकूक लिबाद के लिए ज़क़त है ज़क़ात के जरिए से वेलफेयर के काम कीजिए इसी तरह से सदक़ात नाफिला उनके जरिए से कीजिए फितराना है उसके जरिए से हकूक लिबाद अदा होते हैं लेकिन कुर्बानी ये अल्लाह का हक है अल्लाह ने फरमाया हम दुआ भी पढ़ते हैं कुर्बानी पेश करते हुए कि इन्ना सलाती व नोसुकी व माहिया व ममाती ला रब आलमीन बेशक नमाज मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है तो कुर्बानी ये अल्लाह का हक है अपने रब के लिए नमाज पढ़िए अपने रब के लिए कुर्बानी पेश कीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुर्बानी जो अल्लाह का हक है हम उसको भी हकूक इबाद के जैल में डाल दें अल्लाह तबारक वाली के अहकाम को आगे पीछे करना ये हरगिज और हरगिज़ हमारे लिए रवा नहीं है बल्कि हक़ल्ला अपनी जगह हैंकूक आबाद अपनी जगह हैं क़ुरबानी हकूकुल्ला में से है इसको हमने उसी तरह से अदा करना है जिस तरह से कि इसके लिए हमें अल्लाह तबारक वाली ने हुक्म दिया है लेकिन नोट कीजिए कि ये अक़ल ये बात हमारी दुश्मन बन जाती है जबकि ये नकल पर नकल से मुराद वो बातें जो क़ुरान से मनक़ूल हो रही हैं जो हदीस से मनक़ूल हो रही हैं ये उस पर एतराज़ करती है अलाम इकबाल की बड़ी प्यारी हमें तालीम है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बने अकल लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे कुछ फैसले दिल के साथ करने होते हैं और ठीक है कुछ फैसले अकल के साथ भी करने होते हैं अकल का इनकार नहीं है लेकिन अल्लाह के अहकाम के हवाले से अगर हम चाहेंगे कि हम अपनी अकल से उनकी तोजीहत को समझें तो अकल ये नाकस है गुजर जा अक़ल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है और सुबह अजल ये मुझसे कहा जब्राहील ने जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर को बोल खलील जिब्रान का बड़ा प्यारा जुमला है कि अकल से रोशनी हासिल करो लेकिन हरकत जज्बे से करो अकल के लघु माने होते हैं रोकना अकल एक अच्छी राह दिखा तो देती है लेकिन उसके लिए कुर्बानी देने से अकल रोकती है कुर्बानी देने में दुनिया एतबार से नुकसान होता है तो अच्छी राह को तुम अकल से देख तो सकते हो लेकिन जब अब हरकत करनी है तो उसके लिए फिर दिल और उसके लिए जज्बा उसकी ज़रूरत होती है अल्लाह तबारक व ताल हमें तमाम अकली गुमराहियों से महफूज फरमाए इसलिए कि इब्तदाई से मुसलमानों में एक ऐसा फ़िरका वजूद में आ गया था मोतजला का कि जिनका सारे का सारा जो दार मदार था वो अकल पर था हर चीज़ की वक़ल के एतबार से तोजीह करना चाहते थे लेकिन यह है कि अकल ये इंतहाई नाक़ है और हम सुनार के तराजू में बड़े बड़े हक़ को नहीं तोल सकते। अकल की तराजू बड़ी नाकस है अक़ल की तराजू बड़ी कमज़ोर है इसमें बड़े बड़े हक़ समा नहीं सकते बड़े बड़े हक़ किसी समझ में नहीं आ सकते लिहाजा हमारा ईमान होना चाहिए बिलघैब अल्लाह ने कुरान मजीद में आगाज़ ही में जब फरमाया कि कुरान किसके लिए हिदायत है तो पहला जिक्र यह किया कि हदलमुतकीन जीना यो मनू न बिल गैब यह कुरान हिदायत उनके लिए है जो मुत्तकी हैं और मुत्तकी कौन है अल्ला जीना यु बिल गैब जो गैब पर ईमान लाते हैं बिन देखे ईमान लाते हैं जो अपनी अकल को बुनियाद नहीं बनाते हक और बातिल के मैार का बल्कि वो कहते हैं आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदना जो भी हुक्म अल्लाह की तरफ से आएगा हम उस पर ईमान लाएंगे चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए अल्लाह तबारक व ताली हमें पूरे जज्बे के साथ पूरे ओक़ के साथ पूरे वलवले के साथ कुर्बानी की बद बजा लाने की तोफ़ी अता फ़रमाए और अल्लाह ताली हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए व आखर दावाना अनिलदिल्ल रबालमीन